चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحَ نِكَاحُ فَسَكَتِّي وَقَالَتْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَقَالَ الزُّفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ السُّكُوتَ أَصْلٌ وَالرَّدُّ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُدْعِ والمرأة تدفعه فكانت منكرة كالمودعي إذا ادعى رد البديعة بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة। यहाँ से मसला ये चल रहा है कि जब किसी शौहर ने इन्हें निकाह करने के बाद निकाह हो गया बीवी के पास गया तो बीवी बोलती है कि हमारा तुम्हारा तो निकाह हुआ नहीं, तो वो कहे कि तुम तक तो निकाह की खबर पहुंची थी, तुम्हारे वालिद ने तुमसे मेरा निकाह कराया था तो तुम चुप रही थी, इसका मतलब तुम राज़ी थी, यानी लड़की अगर बाकिरा है। तो वो कहे कि नहीं, मैंने तो रद्द कर दिया था, मैंने कहा था कि मुझे ये निकाह मंजूर नहीं। तो अब बात किसकी मानी जाएगी, शौहर जो कह रहा है कि तू चुप थी उसकी बात मानी जाएगी, या औरत जो कह रही कि नहीं मैंने रद्द कर दिया था उसकी बात मानी जाएगी? तो इमाम ज़फ़र और दूसरे अइमा अहनाफ के नज़दीक इख्तलाफ़ है। इमाम ज़फ़र कहते हैं कि मर्द की बात मानी जाएगी, क्योंकि मर्द जो है सुकूत की बात कर रहा है और औरत जो है रद्द करने की बात कर रहा है, और रद्द और सुकूत में सुकूत असल है और रद्द जो है वो आरिज़ है। यानी इंसान की दो हालत होती है, एक चुप रहने की एक बोलने की। तो चुप रहना इंसान की असल हालत है और बोलना इंसान की जो है आरिज़ हालत है। कोई आरजा होता है, कोई वजह होती है, कोई सबब होता है तो बोलता है, नहीं तो चुप रहता है। तो इसलिए ये मसला कहते हैं उस शख्स की तरह हो गया कि जिसे खियारे मुद्दत की शर्त खियारे शर्त हासिल थी, ठीक है, खियार हासिल था बाय में खियारे शर्त कि मैं जो है वो देखता हूँ, समझ में आया तो मैं ये ले लूँगा, नहीं तो मैं मुझे ख्याल शर्त दीजिए कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं इसको वापस भी कर सकता हूँ। अब 3 दिन गुजर जाए तो गुज़र जाना जो है ये समझ में आएगा, उसने कुछ नहीं बोला मतलब वो राज़ी है, इसमें उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी कि नहीं मैंने तो कैंसिल कर दिया था, नहीं कैंसिल करना था तो आके इसको बोलना था बाइक जिसको भी ख्याल शर्त हासिल था, जिससे ख्याल शर्त लिया था उसको। और हमारी दलील ये है कि नहीं, इसमें जो है मर्द की बात नहीं मानी जाएगी बल्कि औरत की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्द जो है वो दावा कर रहा है निकाह के लाजिम होने का और इस बात का कि मैं तुम्हारे बुज़ा का मालिक हो चुका, दावा मर्द कर रहा है, और औरत इनकार कर रही है। तो इनकार करने वाली है तो वह मुनकिरा हुई और मर्द जो है मुद्दई हुआ। तो दलील पेश करना मर्द के ज़िम्मे है, औरत का इनकार कर देना ही काफ़ी है। बस इनकार करने वाले पर ज़्यादा से ज़्यादा कसम ली जाती है बस। तो इस मसले में तो औरत से कसम भी नहीं ली जाएगी, क्योंकि चंद जगह ऐसे हैं कि जहां मुनकिर से कसम नहीं ली जाती है, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा। देखिए तर्जमा कहते हैं, वइदा काला ज़ौजु, जब शौहर कहे बलगक निकाहु फसकत्ती, तुझ तक निकाह की खबर पहुंची तो चुप रही थी, वकालत और औरत बोले रदत तो नहीं मैंने रद्द कर दिया था, फल कौलु कौलहा तो बात औरत की होगी, यानी औरत की बात मानी जाएगी। वकाल ज़ुफ़र रहिमहुल्लाह, और इमाम ज़ुफ़र ने फरमाया, अल्लाह उन पर रहम फरमाया, अल कौलु कौलहु शौहर की बात मानी जाएगी, लिअन्ना सुकूत असलुन व रद्दु आरिज़, इसलिए कि सुकूत असल है और रद्द आरिज़ है, और औरत मर्द जो है असल का दावा कर रहा है। तो असल का जो दावा करे तो उस पर दलील पेश करना नहीं है, बल्कि दलील वो पेश करे जो असल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ठीक है। वरना तो फिर मिसाल के तौर पर जो कपड़ा पहना हुआ है तो असल ये है कि उस कपड़े का मालिक वही है, लेकिन एक चलता फिरता आदमी कहे कि इस कपड़े का मालिक मैं हूँ, ठीक है, तो उसको दलील पेश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो बात मानी जाएगी, वो मुद्दई है। और जो कपड़ा पहना हुआ उसका सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि नहीं आपका कपड़ा नहीं है, मेरा कपड़ा है, वो इनकार कर दे कि नहीं आपका कपड़ा नहीं है, ख़त्म। मत तो इनकार करने वाले को गवाह पेश करने की हाजत नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो कि असल के ख़िलाफ़ दावा किसी ने किया तो सामने वाले को ही जो है दलील पेश करनी पड़े। तो आप किसी भी मकान में जाके बोल दो ये मकान मेरा है,
सामने वाला बोलेगा नहीं आपका नहीं है, तो आप खुद ही बोलोगे कि भैया दलील बताओ तुम्हारा मकान है, तो दलील आपको पेश करनी पड़ेगी ना, वो मकान में रह रहा है तो वो तो असल अपने असल पर है, उसका इनकार उसके ख़िलाफ़ दावा आपने किया, तो असल के ख़िलाफ़ जो दावा किया जाता है उसी पर दलील दी जा, उसी को दलील देनी पड़ती है। तो शौहर ने दावा किया चुप रहने का, औरत ने दावा किया बोलने का, चुप रहना असल है तो शौहर को दलील देने की हाजत नहीं है। ये इमाम ज़ुफ़र ये फरमाते हैं, कहते फसारा कल मशरूत लहुल खियार, ये मसला उस शख्स की तरह हो गया जिसको खियार की शर्त हासिल थी, खियार शर्त हासिल थी, इदत दार रद्दा, जब उसने रद्द का दावा कर दिया बादा मुजिगिल मुद्दती, मुद्दत गुजरने के बाद, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। व नहनु नकुल, और हम ये कहते हैं इन्नहु यद्दई लुजूम अल-अक्दी व तमल्लुक अल-बुद्ई, शौहर दावा कर रहा है निकाह के लागू होने का, व तमल्लुक अल-बुद्ई और बुज़ा के मालिक होने का। तो निकाह शादी होना और ना होना में ना होना जो है ये असल है, ऐसे ही औरत के बुज़े का कोई मालिक नहीं है ये असल है। किसी आरिस से कोई मालिक हो जाता, जैसे निकाह का अर्ज़ा आ जाए तो मालिक हो गया, या मिल्कियत का अर्ज़ा आ जाए तो मालिक होता है। तो तमल्लुके बुज़ा का दावा करना या लुजूम अख्द का दावा करना असल के ख़िलाफ़ दावा करना है। वल मरअतु तदफ़ऊहु, और औरत उसका इनकार कर रही है, उसको दफ़ा कर रही है, फ़कानत मुनकिरतन, तो ये मुनकिरा कहलाएगी। कल मुदई इदत दार रद्दल वदीयती, जैसे मुदा जबकि वदीयत लौटाने का दावा करे, यानी आपने किसी के पास अमानत कोई चीज़ रखी तो जिसने रखी है वो कह रहा है कि आपने मुझे अमानत का सामान लौटाया नहीं, और आपका ये कह देना काफ़ी है कि लौटा दिया, बस आपको दलील देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कसम ली जाएगी, सामने वाले को दलील देना पड़ेगा कि हाँ वाकई इन्होंने नहीं लौटाया, आपने तो असल का असल उसने जो असल के ख़िलाफ़ दावा किया, आपने असल का दावा किया, उसने असल के ख़िलाफ़ का दावा किया। असल ये है कि किसी के पास किसी का सामान नहीं रहता है, बात हो गई ख़त्म। बेखिलाफ़ मसअलतुल खियार, बेखिलाफ़ खियार के मसले के, वहाँ कहते लियान्ना लुजूम कद ज़हरा बे मुज़िगिल मुद्दती, खियार के मसले में उस आदमी की बात इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि मुद्दत गुजर जाने के बाद अक्द लाजिम हो चुका। लियान्ना लुजूम कद ज़हरा, लुजूम ज़ाहिर हो चुका है, यानी बाय का लागू होना ज़ाहिर हो चुका है, बे मुज़िगिल मुद्दती खियार मुद्दत खियार शर्त की मुद्दत गुजर जाने के बाद, यानी तीन दिन जब हो चुके फिर भी उसका बोलना ज़ाहिर नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तीन दिन गुजरने के बाद बाय लागू हो गई। अब अगरचे वो दावा करे कि मैंने इनकार कर दिया था मुझे नहीं लेना था, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए खियार शर्त का मसला और ये वाला मसला एक जैसा नहीं होगा जैसा कि इमाम ज़ुफ़र ने क़यास किया। दूसरा मसला कहते हैं व इन अकामत ज़ौजुल बैगिनत अला सुकूतिहा सबतन निकाह, इसी सूरत में कि शोहर ने कहा तुझे निकाह की खबर पहुंची तो तू चुप रही थी, अब क्यों बोल रही है कि मेरी बीवी नहीं है, और औरत ने कहा कि नहीं मैंने तो इनकार कर दिया था, तो अगर इसमें शोहर अपनी बात पर गवाह पेश कर दे, यानी कोई ऐसे गवाह पेश कर दे जिसमें जो है क्या बोलते हैं दो गवाह ये गवाही दे कि हाँ ए औरत तुझ तक निकाह की खबर पहुँची थी लेकिन तू चुप रही थी, तुम झूठ बोल रही हो कि मैंने बोली थी, इस तरह कह दे, तो कहते हैं कि वह इन अकामत ज़ौजुल बैगिनत अला सुकूतिहा, अगर शौहर औरत के सुकूत पर बैगिना पेश कर दे सबतन निकाह हो तो निकाह साबित हो जाएगा अगरचे औरत इनकार करती रहे। क्यों? लिअन्नहु नव्वरा दावाहु बिल हुज्जा, इसलिए कि शौहर ने अपने दावा को दलील से रोशन कर दिया, दलील से रोशन कर दिया। वह इल्लम तकुल लहू बैगिना, और अगर शौहर के पास कोई दलील ही ना हो, मतलब गवाही ना हो, सबूत ही ना हो, फला यमीन अलैहा, तो औरत पर कसम भी नहीं ली जाएगी। हालांकि हुज़ूर की हदीस है अल बैगिनत अल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, कि जो दावा करे उस पर बैगिना पेश करना है, दलील पेश करना है, और जो इनकार करे उस पर कसम है। यहाँ औरत इनकार कर रही है कि तू मेरे बुज़ा का मालिक नहीं है, निकाह लाजिम नहीं हुआ, इस बात का इसका ये इनकार कर रही है, तो होना ये चाहिए कि औरत को कम से कम ये कहा जाए कि ठीक है शौहर के पास अगरचे अपनी बात साबित करने के लिए गवाह नहीं है लेकिन तू अपनी बात तेरी बात सही है तू कसम खा ले, तो कसम खिलाया जाना चाहिए था हदीस के तहत क्योंकि ये मुनकिरा है। लेकिन इस मसले में इस पर इससे कसम भी नहीं ली जाएगी इंदा अबी हनीफा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक। क्यों? कहते वही मसअलतुल इस्तिहलाफ फिल अशिया सित्ता, और ये छः चीज़ों में कसम के मुतालबे वाला मसला है। इमाम आज़म के नज़दीक छः चीज़ें ऐसी है कि
کہ جس میں قسم نہیں لی جائے گی اگرچہ سامنے والا انکار کرے، منکر سے قسم نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ چھ چیزیں دیکھیں، حاشیہ میں دیا ہوا، نکاح ہے، نکاح کا معاملہ ہے، رجعت کا معاملہ ہے، فی الایلاء کا معاملہ ہے، استیلات کا مسئلہ ہے، غلامی کا مسئلہ ہے، اور ولا کا مسئلہ ہے۔ اس میں آسان مثال میں سمجھاتا ہوں، غلامی کا مسئلہ دیکھیے، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو غلام ہی نہیں آزاد آدمی ہوں۔ تو آزاد آدمی ہوں اس نے اصل کا دعویٰ کیا، اور سامنے والا جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اصل کے خلاف کا دعویٰ کیا، تو اصل کے خلاف دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر مدعی کو گواہ پیش کرنے ہوں گے جو دو گواہ گواہی دے کہ ہاں واقعی یہ غلام ہے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر پائے تو سامنے والے کی بات مان لی جائے گی کہ ہاں میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں قسم بھی نہیں لی جائے گی، یعنی اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تو قسم کھا کے بول کہ میں آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ چھ مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ قسم کے قائل نہیں ہے، اگرچہ منکر ہے سامنے والا۔ وسیعتی کا فی الدعویٰ ان شاء اللہ تعالیٰ، کہتے اس کی تفصیل کے چھ صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک قسم منکر سے کیوں نہیں لی جائے گی، تو اس کی تفصیل جو کہتے ہیں ان شاء اللہ کتاب الدعویٰ میں آنے والی ہیں۔ ویجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجہما الولی بکرا کانت الصغیرۃ او صیبا۔ یہاں سے ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اچھا اس کے آگے سے پہلے یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح، صغیر اور صغیرہ کا نکاح جائز ہو جائے گا، اذا زوجہما الولی، جبکہ ان دونوں کا نکاح ولی نے کرایا ہو۔ ولی وہی ہے جس کو آپ اسبات میں سمجھیں گے، اسبا کی تین قسمیں ہوتی ہے، اسبا نسبیہ، اسبا سببیہ، اور پہلے اسبا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسبا نسبیہ، اسبا سببیہ، یہاں اسبا سے مراد اسبا نسبیہ ہے۔ پھر اسبا نسبیہ کی تین قسمیں ہوتی ہے، اسبا بنفسی، اسبا لغیرہ، اسبا مع غیرہ، تو یہاں مراد اسبا لنفسہی ہے، اسبا بنفسہی۔ اسبا بنفسہی جو ہے یہ کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں، اور وہ کہ آدمی کا جزو، یعنی بیٹا پوتا نیچے تک، آدمی کے اصل ہو یعنی باپ دادا اوپر تک، اور آدمی کے اصل کا جز ہو، اصل کا جز جیسے باپ کا، آدمی کے کیا بولتے ہیں، آدمی کے اصل کا جز، ہاں اصل کا جز، یعنی مثال کے طور پر بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی کیا بولتے ہیں، تفصیل بھول جاتا ہوں میں، بیٹا ہے اور پوتا ہے، یہ جزے میں جز ہے، ٹھیک ہے، یہ ولی اقرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باپ اور دادا اس کے بعد دوسرے درجے کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ بھتیجا اور نیچے اس کے بیٹے، یہ تیسرے درجے کا ولی ہے۔ اور چچا اور اس کے چچا کے بیٹے، چچا اور چچا کے بیٹے، یعنی چچے زاد بھائی وغیرہ، یہ سب سے آخر درجے کے ولی ہیں، یہ چار لوگ ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میت، جزے میت، اب اس کے آگے وہ لفظ یاد نہیں رہا سراجی کے، خیر ایک منٹ میں دیکھیے کیا ہے، جوز ہے انسان کا جوز، جیسے اور کوئی عورت ہے اس کا جوز اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا نیچے تک، اصل ہے یعنی عورت ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے۔ جزے ابے میت ہے، یعنی میت کے باپ کا جز، جیسے عورت ہے اس کے باپ کا جز، اس کے باپ کا جز اس کا بھائی ہوگا، بھتیجا ہوگا۔ اور جزے جد میت، یعنی میت کا دادا ہے اس کا جز، تو میت کے دادا کا جز جو ہے اس کا چچا ہوگا، بڑے ابو ہوگا، تایا ہوگا، یہ سب جو ہے اولیاء کہلائیں گے۔ سب سے قریبی جو ہے جزے میت جز ہے، یعنی انسان کا جز ہے، اس سے تھوڑا سا دور انسان کی اصل ہے، پھر اس سے دور انسان کے باپ کا جز ہے، پھر اس سے دور انسان کے دادا کا جز ہے۔ تو یہ چار ترتیب ہے اولیاء میں، ایک بار میں بتا دیتا ہوں، اصل جزے میت، اصل میت، جزے ابے میت، اور جزے جدے میت۔ خیر، تو اگر صغیرہ لڑکی ہے، چاہے صغیرہ باقرہ ہو یا سگیبہ ہو، آپ بولو کہ صغیرہ جو ہے باقرہ تو ہوگی، سمجھ میں بات آتی ہے، نابالغہ لڑکی باقرہ ہوگی سمجھ میں آتی ہے، سگیبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سگیبہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی، ابھی تو اس زمانے میں یہ رواج نہیں ہے، پہلے لوگ جو ہے اپنی بچیوں کی سیکیورٹی اور اس کی حفاظت کے لیے بچپن میں ہی کسی بڑے آدمی سے اس کا نکاح کرا دیتے تھے۔ نکاح جب کرا دیا تو اس سے استمتاع جائز ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صغیرہ سے ہی جو ہے وہ وتی کی جاتی تھی، اگرچہ جو ہے وہ اس سے وتی کرنا بالکل وہ
लकड़ी से वती करने की तरह होता था, लेकिन किसी तरह शौहर उससे शहवत पूरी कर लेता था, तो वो सय्यबा हो गई, सगीरा लड़की इस तरह से सय्यबा हो जाती थी। तो यानी जिसका निकाह हो गया, शौहर ने उसको इस्तेमाल में ला लिया, तो अगरचे वो सगीरा होती थी लेकिन सय्यबा होती थी। तो हम ये कहते हैं कि अगर सगीरा लड़की है, चाहे बाकिरा हो या सय्यबा, उसका अगर वली ने निकाह करा दिया तो निकाह जायज़ है। वल वली वल असबतु, और वली जो है वो असबा बिनफ्स ही होता है, जो हमने बताया असबा बिनफ्स की तफसील, जुज़ इन औरत का जुज़, औरत की असल, औरत के बाप का जुज़, औरत के दादा का जुज़, ये उसके औलिया कहलाएंगे। अब इसमें इख्तलाफ क्या है समझिए, इख्तलाफ ये है कि इमाम मालिक ये फरमाते हैं कि बाप के अलावा किसी को विलायत हासिल ही नहीं है, ख़त्म हो, ठीक है। यानी छोटी बच्ची का भी अगर निकाह कराना चाहे तो कोई भी मुंह उठा के निकाह नहीं करा सकता है, सिर्फ बाप को ये इख्तियार हासिल है कि वो निकाह करा दे। इसकी वजह वो ये कहते हैं कि आज़ाद औरत पर किसी दूसरे शख्स की विलायत ये खिलाफ़ क़ियास चीज़ है। एक बंदा आज़ाद है तो उसके मामलात का फ़ैसला दूसरा शख्स कैसे कर सकता है, ख़ुद आज़ाद है ना, इसलिए कोई नहीं कर सकता। हाँ, बाप को फिर कहते हैं हमने विलायत इसलिए दे दी खिलाफ़ क़ियास क्योंकि ये नस से साबित है कि सहाबे किराम में से जैसे हज़रत उमर सिद्दीक़ का वाक़िया है कि आपने नाबालिगी में अपनी बेटी का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारी माँ हैं अज़वाज मुतहरात में से, उनका निकाह आपने करा दिया था। तो इस नस से जो है इमाम मालिक ये कहते हैं कि बाप को बस हम इख्तियार देंगे, उसके अलावा दादा को, चचा को, भतीजा को, बेटा को, पोता को इख्तियार नहीं देंगे। और इमाम शाफी ये कहते हैं कि सिर्फ बाप और दादा को विलायत हासिल है, इसके अलावा को हासिल नहीं है, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि सिर्फ जो है सगीरा सय्यबा, वो कहते हैं कि सगीरा अगर सय्यबा हो और सय्यबा सगीरा में भी वो निकाह के कायल नहीं है, वो विलायत के कायल नहीं है। मुझे नींद आ रही है क्या? सगीरा सय्यबा, वो कहते हैं अगर सय्यबा हो गई लड़की तो उस पर विलायत हासिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सय्यबा हो गई तो उसको जो है ममारसत और तजर्बा हासिल हो जाता है, वो अपना फ़ैसला खुद कर सकती है। हम ये कहते हैं कि अगरचे सय्यबा हो गई लेकिन अगर वो सगीरा है, सगीरा यानी इमाम शाफी यूँ समझिए कि वो बाकिरा के बारे में विलायत का के कायल है कि लड़की जब तक बाकिरा है उस पर जो है बाप और दादा को विलायत हासिल है, जहाँ चाहे निकाह करा दे। हम ये कहते हैं कि बाकिरा होना ज़रूरी नहीं है, अगर सय्यबा भी हो, सगीरा अगर है, सगीरा क्योंकि राय में पुख्तगी सगीरा को हासिल नहीं होती है, वो कमकली होती है उसको, इसलिए जो है हमारे नज़दीक, देखिए हमारे नज़दीक सगीरा सिग़्र की वजह से विलायत हासिल होती है, चाहे सय्यबा हो या बाकिरा हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि बाप और दादा और इसके अलावा कोई भी विलायत हासिल होती है, जो असबात की तरतीब हमने बताई। और इमाम मालिक और इमाम शाफी की के नज़दीक इख्तलाफ क्या है? इमाम मालिक कहते हैं सगीरा में सिर्फ बाप को विलायत हासिल है, और इमाम शाफी कहते हैं बाप और दादा को विलायत हासिल है, वो भी सय्यबा को छांट देते हैं, सय्यबा सगीरा को। देखिए तर्जमा कहते हैं कि वह मालिक युखालिफुना फ़ी गैर अब, इमाम मालिक बाप के मामले, बाप के अलावा में हमारी मुखालफत करते हैं, यानी इमाम मालिक कहते हैं कि बाप को विलायत हासिल है, उसके अलावा को नहीं। व शाफ़ी फ़ी गैर अबी वलजद्दी, और इमाम शाफ़ी हमारी मुखालफत करते हैं बाप और दादा के अलावा में। वफ़िस सय्यिब सगीरति अयज़ा, और सय्यिबा सगीरा में भी, वो कहते हैं कि सय्यिबा सगीरा की विलायत बाप दादा को हासिल नहीं। सब की दलील वजहू कौली मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक ने क्या फरमाया कि बाप के अलावा किसी को विलायत हासिल नहीं है कि वो छोटी बच्ची का निकाह करा दे। क्यों? अन्नल विलायत अलल हुर्रति बेएतबारिल हाजत, कि आज़ाद लड़की पर विलायत जो है हाजत के एतबार से है। वला हाजत लिनइदाम अश्शहवति, और शहवत के मुनादिम होने की वजह से सगीरा में कोई हाजत नहीं है। जब हाजत ही नहीं है तो उनके नज़दीक विलायत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इल्ला अन्ना विलायत अभी सबतत नस्सन, मगर बाप की विलायत चूँकि नस से साबित है, बेखिलाफ़ क़ियास के, लेकिन बाप की नस विलायत जो है नस से साबित है, बेखिलाफ़ क़ियास के, बेखिलाफ़ क़ियास के ख़िलाफ़।
اس لیے وہ بامر مجبوری جو ہے باپ کو ولی مانتے ہیں، باپ کو حق ولایت دیتے ہیں۔ والجد لیس فی معناہ، اور باپ جو ہے وہ دادا جو ہے باپ کے معنی میں نہیں ہے، یعنی دادا کی محبت اور باپ کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ فلا یلحق بھی، تو دادا کو باپ کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ صرف دادا، صرف باپ کو حق ولایت حاصل ہوگی، حق ولایت حاصل ہوگا امام مالک کے نزدیک، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مخالف قیاس نہیں بلکہ موافق قیاس ہے، یعنی آزاد نابالغہ لڑکی پر ولایت کا حق کسی اور کو دے دینا یہ خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ قیاس کے مطابق چیز ہے۔ کیوں؟ لأن النکاح یتضمن المصالح، اس لیے کہ نکاح کئی طرح کی مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تتوفر الا بین المتکافئین عادتاً، اور نکاح کی مصلحتیں عادتاً متکافئین یعنی دو کفو خاندان کے درمیان ہی حاصل ہوتی ہے، یعنی جب تک کہ دو خاندان برابر کے نہ ہوں اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے خیال، لحاظ، عزت، مقام، مرتبہ وغیرہ کا نہ کرتے ہوں، تو اس وقت تک نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہو پائے گی، رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری باتوں کا سمجھنا جو ہے صغیرہ کو، سمجھ نہیں پائے گی، اس لیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے پاس باپ ہی موجود ہو، کبھی باپ کا انتقال ہو سکتا ہے، کبھی دادا کا انتقال ہو سکتا ہے، اس لیے حق ولایت باپ دادا کے علاوہ کو بھی حاصل ہوگی۔ ولا یتفق الکفو فی کل زمان، اور ہر زمانے میں کفو جو ہے ملتا نہیں ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ دلیلیں سبھی کے، امام مالک، امام شافعی اور ہمارے مسئلے کی دلیل جو انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے، وقت ہو چکا ہے۔